आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सबको संग है। दोस्तों, आज का विषय है झूठी और गलत शिक्षाओं के खतरे। जब आप बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि कलीसिया में गलत शिक्षा के कारण परमेश्वर स्पष्ट उन्हें चेतावनी देते हैं। परमेश्वर गलत और झूठी शिक्षाओं के प्रति गंभीर है, पर क्यों? क्योंकि यह हमारे मन में तर्क और संदेह और परमेश्वर के विरोध में प्रश्न को लेकर आता है। यह हमारे विश्वास को कमजोर, हमारे आनंद को समाप्त, हमारे समय को बर्बाद करता है और हमें निराश में रखता है और अंत में परमेश्वर के साथ हमारे सहभागिता को नष्ट कर देता है। पौलुस तीमुथियुस को विशेष रूप से निर्देश देते हैं, मूर्खता और व्यर्थ के बाद विवादों से, जो गलत और झूठी शिक्षा के द्वारा उत्पन्न होती है, दूर रहें। हमें भी व्यर्थ और निष्फल बातों से दूर रहना चाहिए। एक बार चेले प्रभु यीशु से कुछ प्रश्नों को पूछ रहे थे, पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यह जानना तुम्हारा काम नहीं। हम भी बहुत बार ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 2:2, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाना। सब जानना हमारा काम नहीं, हमें बस उसे जानना है जो सब कुछ को जानता है। नीति वचन 28:5, बुरे लोग न्याय को नहीं समझते परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हमें भी गलत शिक्षाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम खुद को और दूसरों को भी इन खतरों से बचा सकें। इसलिए आइए पहले हम सतर्क रहना सीखें। मत्ती 24:3, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उसके कुछ चेले यह जानने को बहुत इच्छुक थे कि जगत के अंत का और उसके दोबारा आने का कौन कौन सा चिन्ह होगा, ताकि हम सतर्क रह सकें। इन चेलों के जैसे जब हम भी बहुत इच्छुक होकर परमेश्वर को खोजते हैं तो हम भी उससे निर्देश और मार्गदर्शन पाते हैं। और आप जानते हैं प्रभु यीशु ने सबसे पहला चिन्ह क्या बताया, मत्ती 24:4-5, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। उसके दूसरे आगमन का सबसे पहला चिन्ह यह होगा कि गलत शिक्षाएं अपने चरण सीमा पर होगी और यह उन झूठे लोगों के द्वारा होगी जिनके पास ज्ञान तो बहुत रहेगा पर परमेश्वर का ज्ञान नहीं, और वो अपने को मसीह भी कहेंगे पर मसीह का जीवन और मसीह का स्वभाव उनमें नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के साथ परमेश्वर का चरित्र भी साथ में आता है। याकूब 3:13, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और आज जो मैं संसार को देखता हूँ तो इतना अधिक झूठी और गलत शिक्षा आज तक मैंने नहीं देखा जो इन दिनों में देख रहा हूँ। उदाहरण के लिए आज बहुत से लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रियक परमेश्वर को नहीं मानते। लोग कहते हैं त्रियक शब्द बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में बाइबल शब्द भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर इसे क्यों मानते हैं? लोग आज प्रेज द लॉर्ड जय मसीह इन शब्दों को भी तोड़ मरोड़ कर कहते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। अभिवादन में ऐसा बोलो, अच्छा तो पूरी बाइबल में यह भी कहाँ लिखा है कि गाड़ी और मोबाइल का यूज करो, फिर इन कामों को क्यों करते हो?
आज लोग छोटी छोटी बातों को ऐसा घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ के ऐसा अनगिनत सिद्धांत बना कर रख दिए हैं, जिसके कारण लोग प्रभु यीशु से दूर हो रहे हैं। मत्ती 23:4, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरका नहीं सकते। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह धर्म सिखाने नहीं पर स्वर्गीय पिता से मेल मिलाप कराने और प्रेम सिखाने आया। परमेश्वर के एक दास ने कहा था, झूठी शिक्षा पूरी रीति से झूठी नहीं होगी, पर वचनों को मोड़ तोड़ कर इधर उधर घुमा फिरा के दूसरी बातों का मिश्रण करके हमारे सामने आएगी। जैसे शैतान हवा को बहुत चालाकी से अपने बातों में फंसाया, ऐसे ही दूसरी ओर बहुत से लोग कहते हैं, बाइबल में लिखा है, बाइबल अच्छा है, बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, यदि तुम्हारी आंखें ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दो, यदि तुम्हारा हाथ पांव ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाकू लेकर अपने आँखों को निकाल कर फेंक देना चाहिए और चाकू लेकर अपने हाथ पैर को काटना चाहिए। लोग आज बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा कहकर वचनों को तोड़कर मरोड़कर सामने ला रहे हैं। सावधान, पवित्र आत्मा और उसके प्रकाशन के बिना यह वचन भी हमारे लिए विनाशकारी है। याद रखें, शैतान ने भी यीशु से वचन के द्वारा ही बात किया था, पर यीशु पवित्र आत्मा की अधीनता में था। पुराने नियम में जब मूसा सीने पर्वत से व्यवस्था को लेकर आया, 3000 लोगों की मृत्यु हुई, पर नए नियम में पत्रस ने जब पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया तो 3000 लोगों ने जीवन पाया। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। देखें, क्योंकि लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। महान प्रभु के एक सेवक ने कहा, पवित्र आत्मा के बगैर कोई मसीह जीवन नहीं, पवित्र आत्मा के बगैर हमारा परिश्रम व्यर्थ है, पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर के साथ संगति करना असंभव है। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को पढ़ेंगे, यह वचन आपके लिए जीवित बनते जाएंगे। जितना आप पवित्र आत्मा से सीखना चाहते हो, उससे कहीं अधिक पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है, पर वह तब तक नहीं सिखाएगा जब तक आप उससे कहें नहीं, क्योंकि वह कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, वह हमेशा आपका इंतजार करता है कि कब आप उसे सच्चाई के साथ सिखाने को कहें। नीति वचन 2:1-5, यदि आप उसे इस वचन के अनुसार पढ़ेंगे तो मैं सच कहता हूं कि वह आपको प्रकाशनों से भर देगा और आपके कल्पनाओं से कहीं ज्यादा वह आपके लिए करेगा। पर अब सवाल रहा है कि हम गलत और झूठी शिक्षा को कैसे पहचानें? परमेश्वर की इच्छा पर ईमानदारी से चलने की आशा रखते हुए लगातार कोशिश करने के द्वारा। योना 7:17, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। पवित्र आत्मा का आदर करना, उनकी बात को अनसुना न करना और उसकी आत्मा से परिपूर्ण रहने के द्वारा। कभी भी आप किसी मीटिंग में होंगे तो आपके हृदय में, मन में नहीं, अचानक एक अशांत अटपटा सा महसूस होगा, तो समझ जाए यह वचन परमेश्वर की इच्छा से नहीं,
पर हमें सावधान भी रहना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर ऐसा ना करें, पर उसे वचन के द्वारा जांचे भी। यदि हम पवित्र आत्मा के घनिष्ठता में ज़्यादा हैं, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि यह हमारी भावनाओं की ओर से है या पवित्र आत्मा की ओर से है। हमें ऐसी शिक्षा पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए जो गलत है। इसके लिए हमें प्रार्थना में अधिक समय बिताना चाहिए और उसे वचनों के द्वारा खोजते हैं कि यह सही है कि नहीं। प्रार्थना और वचन, यह दोनों एक साथ होनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, बाइबल बताते परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। याद रखें, खोजने वाले को प्रतिफल मिलता है। खोजना एक मजबूत शब्द है, अर्थात उसके पीछे लगे रहना। योहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कोई भी शिक्षा इनके विरुद्ध में नहीं होगी। गलातियों 5:22-23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं, अर्थात कोई भी शिक्षा परमेश्वर के चरित्र और उसके वचन के विरुद्ध में कभी नहीं होगी। याकूब 3:17-18, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता को फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। परमेश्वर का चरित्र दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय, सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणामय करने वाला और न्याय। पर हमें वचनों की जानकारी कैसे होगी? तब होगी जब आप पवित्र आत्मा की मदद लेते हुए बाइबल को गंभीरता से पढ़ते जाएंगे। याद रखें, झूठी और गलत शिक्षाओं के साथ हमें तर्क और संदेह रहता है, पर परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट होते हैं। 1 यूहन्ना 1:5, जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, यह वह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना 14:16, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। महिमा केवल प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड।